हेलो स्टूडेंट, एनडीए के लिए जनवरी मंथ में क्या प्रिपरेशन करनी है, फरवरी में क्या करनी है, मार्च में क्या करनी है? आप लोगों ने मैसेज भेजा था कि सर जनवरी मंथ का प्लान नहीं आया, तो मैं आपको पूरा प्लान, इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर जनवरी, जनवरी 5, मार्च और अप्रैल, इस सारे चार, क्योंकि अप्रैल 19 को आपको एनडीए मंथ देना है, वो पूरा प्लान बताता हूं। और जनवरी मंथ में क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। सेशन पूरा ध्यान से एंड तक सुनिए। पर सबसे पहले आप सबको मैं बोलूंगा हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। ये 2020 आपके लिए बहुत अच्छा हो और आने वाला समय भी आपके लिए बहुत अच्छा हो। अब मैं बात करता हूं जनवरी के लिए। अभी बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया था कि सर अभी एनडीए में, क्योंकि आप लोग नहीं आ पाए थे, अगर ज्वाइन करना है तो कौन सा समय होगा? तो 13 जनवरी 2020 तक आप क्लासरूम कोर्स को अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। पर एक और प्रॉब्लम थी, कुछ बच्चों ने लिखा था कि सर 12th अपेयरिंग है, कैसे मैनेज करें, या 12th के साथ एनडीए की तैयारी कैसे करें। ये सारे डाउट जो जो आपके हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब पेनड्राइव कोर्स के साथ साथ लाइव क्लासेस भी एड हो गई है। तो अगर आप क्लासरूम कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं वो बताऊंगा। तो आपको पता ही है वेबसाइट का नाम है impetusgurukul.com। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जनवरी 13 से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की जाएगी, राइट? और ये लगभग 30 जनवरी तक मान सकते हैं, यानी जनवरी में ट्रिग्नोमेट्री को कवर किया जाएगा। फेब पूरा जो है वो कैलकुलस के लिए रखा जाएगा, यानी फेब में पूरी की पूरी कैलकुलस होगी, जिसमें फंक्शन, लिमिट, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सब पूरा पोर्शन फैब के 20 डेज में कवर होगा। कैलकुलस के बाद फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद वेक्टर, 3D, देन एल्जेब्रा, एंड देन उसके बाद पीएनसी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स। और टारगेट ये है कि 30 मार्च तक आपके सिलेबस को एंड कर दिया जाए। और 19 अप्रैल को पेपर है, 19 डेज केवल टेस्ट सीरीज के साथ, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज पहले स्टार्ट हो जाएगी, पर टेस्ट सीरीज के साथ साथ इन पेपर का एनालिसिस और रिवीजन रखा जाए। यानी आप सब लोगों को मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा, आपने पूछा भी था कि सर कैसे अगले 3.5 मंथ का टारगेट बनाया जाए, तो मैं आपको कंप्लीट टारगेट बताना चाहता हूं। और इसलिए मैंने बोला कि अगर आप क्लासरूम कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो 13 जनवरी तक कर सकते हैं, उसके पहले आप आ जाएं बहुत ही अच्छा है, पर 30 जनवरी तक आना है आपको और ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करना। इन केस आप नहीं आ सकते, सपोज आप 12th क्लास अपेयरिंग है, आप 12th क्लास अपेयरिंग है या आप 12th पास आउट भी हैं पर नहीं आ सकते हैं कोई किसी भी रीजन से, तो आप लाइव क्लास कोर्स के साथ जुड़ जाए। और अगर आपने पेनड्राइव कोर्स लिया हुआ ऑलरेडी, तो पेनड्राइव कोर्स वाले स्टूडेंट भी लाइव क्लास में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए इंपिटस गुरुकुल की वेबसाइट पर जाके टॉप पर एक बटन है लाइव क्लास रजिस्ट्रेशन, उसको क्लिक करेंगे तो वहां से अपना जब रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आप ये लाइव क्लास देख सकते हैं। अब इन क्लासेस में आपको क्या क्या मिलेगा वो बता दूं। इसमें मैथ्स की क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे, टाइमिंग इसका रहेगा 4:30 to 6:15 तक, 6:30 तक भी चल सकता है। और इन केस कभी टाइम, ये प्रोबेबल टाइम बता रहा हूं, इन केस कभी टाइम चेंज होता है तो आपको पूरा वीकली शेड्यूल मिलेगा हर हफ्ते। जैसे नेक्स्ट वीक में क्या क्या टॉपिक होने वाले वो आपको आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा अगर आप लाइव क्लासेस जुड़े। इसके अलावा 6:30 पे मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे नॉर्मली फिजिक्स की क्लास होती है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे इंग्लिश की क्लास होती है, 1:00 पे जीएस की क्लास होती है, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में 2:30 पे बायो या केमिस्ट्री की क्लास होती है। यानी अगर आप नहीं आ सकते तो आप रियल लाइफ क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं घर पर रहते हुए। और मैंने मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस ज्यादा रखती है, तो लगभग हर क्लास में मैथ्स के एक डेली प्रैक्टिस टेस्ट होता है जिसका लेवल एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। आप इस डीपीटी को सॉल्व करेंगे, वो आपके डैशबोर्ड पर रहेगा, और जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका आपको पेपर मिलेगा, और नेक्स्ट डे में उसका डिस्कशन करता हूं, और वो डिस्कशन में जो बच्चे क्लास में डाउट पूछते हैं वो सारे डिस्कस होते हैं। इनफैक्ट आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं लाइव क्लास, वहां पे भी आप अपना नंबर लिख देंगे तो नॉर्मली, पर क्या होता है जो बच्चे क्लास में डाउट पूछे वही आपके डाउट होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आता। पर फिर भी कोई क्वेश्चन छूट गया है
और आपको वो पूछना है तो आप केवल अपना नंबर लिख देंगे कि 6 नंबर का क्वेश्चन 7 नंबर का, तो वो डिस्कस होगा। दूसरा, एवरी संडे टेस्ट होता है। अभी इनिशियली जनवरी और फरवरी में हम लोग जिस टॉपिक को कवर करेंगे उस टॉपिक का मैथ्स का टेस्ट होगा, और जो टॉपिक बाकी सब्जेक्ट में यानी जीएटी, देखिए दो पेपर देने हैं आपको मैथ्स और जीएटी, तो मैथ्स का पूरा पोर्शन जो कवर हुआ वीक में उसका टेस्ट, और जीएटी का जो वीकली कवर हुआ उसका टेस्ट जनवरी और फरवरी में ऐसा रखेंगे। और मार्च से, क्योंकि फरवरी एंड तक सिलेबस का बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा, सिलेबस का सबसे बड़ा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस, ये करीब करीब 50% से ऊपर पोर्शन होता है, इसलिए सबसे पहले इसी को कवर किया जा रहा है। और मार्च में फरवरी एंड तक मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस के साथ साथ और भी टॉपिक्स हैं अलजेब्रा के, वो कवर हो जाएंगे। तो मार्च से हम लोग फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये टाइम इस बार कम मिला है, क्योंकि एनडीए 2 नवंबर में लेट हुआ था, इसलिए हमारे पास टाइम कम था। तो लिमिटेड टाइम में भी आप अगर अपने आप को पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको, तो हर संडे टेस्ट होंगे जनवरी में और फरवरी में, मार्च और अप्रैल में आपको फुल लेंथ पेपर मिलेंगे। मैथ्स का जो पेपर होगा वो 120 क्वेश्चन का होगा, जीएटी का जो पेपर होगा वो 150 का होगा, और उसी ढंग से और जो पेपर लिए जाएंगे, एक अच्छी बात है, देखिए बाकी पेपर्स में तो आप पढ़ के समझ लेते हैं, पर मैथ्स में अक्सर ही प्रॉब्लम आता है कि पेपर तो आ गया पर क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स डेवलप नहीं हो पाती। तो ये सारे पेपर क्लास में डिस्कस होंगे, और डिस्कशन में भी ये बात ध्यान रखता हूं मैं कि किस टेक्निक से करें कि मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए, तो ये सारी चीज कर सकते हो। तो मैंने आपको एक प्लान बता दिया, हर मंथ तो मैं आपको प्लान बताऊंगा कि जनवरी के बाद फरवरी में, 1 फरवरी से 28 फरवरी तक क्या होगा, मार्च में क्या होगा, अप्रैल में, पर एक टेंटेटिव भी आइडिया दे दिया कि जनवरी से लेके मार्च एंड तक सिलेबस को कैसे एंड करेंगे। एक बार फिर रिवाइज करता हूं, पहले ट्रिग्नोमेट्री, देन कैलकुलस, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन एलजेब्रा, देन स्टेटिस्टिक्स, ये ऑर्डर होगा आपका, 30 टॉपिक्स हैं। और इस मंथ में मेरा टारगेट है ट्रिग्नोमेट्री को एंड करने के साथ साथ कैलकुलस का एटलीस्ट फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी जितना भी हो सकता है, क्योंकि दो चीजें मैं हमेशा ध्यान रखता हूं, सिलेबस तो खत्म करना है, पर सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ हर टॉपिक पे कमांड हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 100% सिलेबस करें, इंपॉर्टेंट ये कि जो भी सिलेबस करें वो 100% करें, और जिस भी टॉपिक को आप कवर करें, जो भी एग्जाम दे रहे होते हैं, जब बच्चा आईआईटी वाला होता है तो बोलता है आईआईटी के प्रीवियस ईयर देखना है, एमसीए वाला है तो एमसीए के प्रीवियस ईयर देखना, आप एनडीए वाले हो तो एनडीए के प्रीवियस ईयर, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस अगर आपको बन रहे हैं किसी भी टॉपिक को कवर करने पर, तो इसका मतलब है कि आपका परफॉर्मेंस सही जा रहा है। आप कोई भी, जैसे अब मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस अगर आपको 80-90% बन रहा है, यानी आपके टॉपिक पे परफॉर्मेंस आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एग्जाम से 20% के ऊपर लेवल नहीं रखना चाहिए, यह भी एक बात ध्यान रखिए। और ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करके, जैसे मैं अगर 13 से लेकर 30 मार्च तक सिलेबस खत्म कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हो, बस एक बेल्ट प्लान तरीके से पढ़ाई करनी है। एवरी वीक का शेड्यूल आपके डैशबोर्ड पर दिखेगा, आप उसी ऑर्डर में पढ़ें, पेनड्राइव आपके पास अगर है तो जो भी टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हूं, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, बेस्ट परफॉर्मेंस जब ही आएगी कि जब आप उससे पहले टॉपिक को कवर कर ले, और उसके बाद अगर आप लाइव क्लास अटेंड करेंगे तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। इन केस किसी रीजन से उस टाइम जिस टाइम लाइव क्लास है बाई चांस नहीं कर पाते, तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हो। और इसमें एक सबसे अच्छा एडवांटेज होता है लाइव क्लास में कि जैसी क्लास में मैं क्वेश्चन देता हूं और फिर रुकता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उतनी देर में आपको भी सॉल्व करना है और आंसर निकाल के उसको सेंड भी करना, वो आपके पास जो चैट रहता है चैट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है, ये आदत आपको डालनी है। तो ये लगभग रोज आपको 3-5 आवर्स की क्लास एवरीडे मिलेंगी, और इस क्लास के थ्रू आप घर पर रह के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस एक ही चीज याद रखिए, पेनड्राइव कोर्स या लाइव क्लास कोर्स में आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना होता है, क्योंकि हम आपके सामने नहीं होते, और वैसे भी अगर आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और डिसिप्लिन नहीं रख सकते तो डिफेंस एग्जाम की तैयारी ही बेकार है। तो अगर, और क्लासरूम कोर्स में ही होता है क्योंकि सामने होते हैं, आपके पास कोई स्कोप नहीं होता कि बीच में उठ गया या कुछ कर लिया, तो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो आपके लिए पेनड्राइव और लाइव क्लास कोर्स 100% उतनी हेल्प करेंगे जितनी की क्लासरूम कोर्स करेगा। अगर डिसिप्लिन की कमी है तो आप क्लासरूम कोर्स ज्वाइन करें, और उसके लिए बिफोर 13th तक आप आ जाएं, जिससे कि आप टाइमली कर पाए। यहां पर सारी अरेंजमेंट रहती है क्योंकि यहां पर हर जगह के बच्चे आते हैं, और अभी एनडीए 1 का रिजल्ट, एनडीए 2 का रिजल्ट इतना अच्छा आया तो बहुत सारे बच्चे अभी आए हुए हैं, तो आपको यहां पर इमीडिएटली सेम डे हॉस्टल अरेंज हो जाता है और नेक्स्ट डे से आपकी क्लास चालू हो जाती है।
तो इसलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टेंटेटिव शेड्यूल आपको बता दिया है, डैशबोर्ड पे आप जाके आप इंपिटस गुरुकुल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। इंपिटस गुरुकुल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद लाइव को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कोर्सेज, कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, जैसे एनडीए, आपको केवल एनडीए पे जाना है, आईआईटी दिखेगा, नीट दिखेगा, एमसीए दिखेगा, सीडीएस दिखेगा, आप एनडीए पे जाएं। और एनडीए के भी अगर आप मैथ्स कोर्स से जुड़े तो मैथ्स पे, और जीएटी कोर्स पे जुड़े तो जीएटी पे, आपको पूरा डैशबोर्ड पे अगले वीक में क्या होने वाला है, मतलब सैटरडे को ही आपको अगले वीक का पूरा शेड्यूल दिखेगा, किस टाइम पे कौन सी क्लासेस हैं वो दिखेंगी। तो लाइव क्लास अटेंड करने का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आप लाइव क्लास में परफॉर्मेंस चाहते हैं तो जो टॉपिक लिखे हैं, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे बायो का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का, जो टॉपिक लिखे हैं वो पढ़ के रखें और पेन कॉपी लेके बैठें। इससे जो चीज पढ़ाई जा रही है वो नोट्स भी बनाते चलें, साथ में जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो सॉल्व करते चलें, तो आपको कहीं फील ही नहीं होगा कि आप कहीं दूर हैं, क्योंकि वही क्लास आपको मिल रही है जो यहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, थैंक यू एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट। बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करिए। और एक और बात, ट्वेल्थ अपेयरिंग स्टूडेंट ने पूछा था कि हम ट्वेल्थ के साथ कैसे मैनेज करें। ऑब्वियसली ट्वेल्थ के साथ मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता है, प्रॉब्लम ऐसा आता है क्योंकि ट्वेल्थ के पेपर आपको मार्च में देना है और अप्रैल में ही आपका एग्जाम है। पर एक अच्छी बात है कि अगर आप ट्वेल्थ अपेयरिंग स्टूडेंट हैं तो पीसीएम तो आप ऑलरेडी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी आप पढ़ते हैं, प्रॉब्लम केवल आती है जनरल स्टडीज में, बेसिक प्रॉब्लम आती है जनरल स्टडीज में। और याद रखिए फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो का जो पोर्शन, बायो इनफैक्ट 9th 10th का होता है, केमिस्ट्री भी 9th 10th का, 11th का बहुत पार्शियल, फिजिक्स जरूर 11th और 12th का थोड़ा सा होता है। तो आपको क्योंकि आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होता है इसलिए एनडीए में वैसे भी इंग्लिश टफ नहीं आती तो प्रॉब्लम नहीं जाएगा, प्रॉब्लम केवल थोड़ा जीएस में जाता है। तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, बस एटलीस्ट 1 आवर या जो जीएस की लाइव क्लास हो रही है वो भी अटेंड करते हुए चलेंगे तो आप जीएस में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इसलिए उस माइंड को सेट करके ही चलें। और ट्वेल्थ के पेपर खत्म होने के बाद लगभग आपको 20 से 30 डेज मिलेंगे, उस समय आप जीएस पे अच्छा परफॉर्म करिएगा और वो टेस्ट सीरीज जो आपको दी जा रही है उसको देखिएगा, जिससे कि आप एक अच्छा रिजल्ट दे पाए। इसलिए ट्वेल्थ के साथ साथ कोशिश यही करनी है कि ट्वेल्थ के रहते हुए ही हम एक अपना अच्छा रिजल्ट दे सकें। और अगर आपका ट्वेल्थ में सब्जेक्ट बाई चांस मैथ्स नहीं है, बायो है या आर्ट्स है, तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकता है, पर मैथ्स जिस लेवल से पढ़ाया जाता है बेसिक लेवल से, उसके बाद आपको मैथ्स में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। वंस अगेन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जो भी प्रॉब्लम हो वो आप इंपिटस गुरुकुल की वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे आपको लाइव क्लास के शेड्यूल के थ्रू सब कुछ पता चल जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।